हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। तो जो आपका कौन सा वीक चल रहा है, ये रीडिंग अभियान यानी कि आपका रीडिंग कैंपेन चल रहा है। दूसरा सप्ताह यानी कि सेकंड वीक है। और जो वर्कशीट है आज की, वो हम करेंगे 27 जनवरी 2022 के लिए। ओके, तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे एंड आज की डेट लिखेंगे 27 जनवरी 2021, रीडिंग अभियान हिंदी, कार्यपत्रिका संख्या नंबर 9। इधर अपना सेक्शन ABC आपका जो भी सेक्शन है, ठीक है। दूसरा सप्ताह हो गया, विद्यार्थी का नाम, अपना नाम इधर लिखेंगे, अपने टीचर का नाम। और बच्चों, जो इस वर्कशीट की जो थीम है या फिर इसका जो विषय है, टॉपिक है, वो है मेरा प्यारा परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमारा परिवार हमारी सबसे पहली पाठशाला होता है। हम सभी को अपने परिवार बहुत अच्छा लगता है। हम सभी के मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन आदि सभी हमको बहुत प्यार करते हैं। तो आइए आज हम अपने परिवार, प्यारे परिवार पर एक कविता मज़े से गाकर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं इस कविता को। मेरा प्यारा परिवार, मेरी खुशियों का आधार, प्यारा सा मेरा परिवार। दादा दादी करते मुझे प्यार, मैं हूँ उनकी नन्ही सरकार। मम्मी पापा की आँखों का तारा, मैं हूँ घर का राज दुलारा। प्रिय दीदी बड़ी समझदार, अच्छी बातों का है भंडार। मैं भी करता हूँ सबको दिल से प्यार, इन्हीं में तो बसा है मेरा संसार। तो बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन है मुझे कमेंट में बताएंगे। और बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो है आज के आपके वर्कशीट का, देख लेते हैं। आइए अब हम अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखते हैं और साथ ही नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर अपने रिश्तेदारों को पहचानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन से ही बताती हूँ। जैसे पहला है, ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं हूँ आपकी मम्मी की बहन। जो आपकी मम्मी की बहन होती है वो आपकी कौन लगती है, मौसी। बेटा आपके घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी के अलावा, उस लैंग्वेज में मौसी को या आपकी मम्मी की सिस्टर को आप क्या बोलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड और आपको क्या बताना है, जो मौसी है उनका नाम भी लिखना है आपको, आपकी मौसी का। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैं हूँ आपके पापा की बहन। पापा की बहन कौन होती है, आपकी बुआ। ठीक है, अपनी बुआ का नाम भी आपको लिखना है। ओके, मैं हूँ आपकी मम्मी का पापा। मम्मी के पापा कौन होते हैं, मम्मी के पापा हमारे नाना होते हैं। ठीक है, नाना होते हैं, तो नाना होते हैं, तो आपके नाना जी का क्या नाम है वो कमेंट्स में बताना। ओके, तो बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, बच्चों बताइए किन किन मौक़ों पर आपके परिवार के सभी सदस्य एक साथ होते हैं। तो बेटा, किन किन मौक़ों पर आपके सभी सदस्य जो हैं, परिवार के सदस्य एक साथ होते हैं, वो आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है शादी होती है कभी घर में, तो उसमें सभी आपके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। यस, त्योहारों पर, देन किसी कुछ आपके घर में किसी चीज़ की सेलिब्रेशन है, ठीक है, तो समारोह है तो बधाई समारोह आप लिख सकते हैं।
किसी का जन्मदिन अगर मना रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं, जन्मदिन। ठीक है, तो इस तरह से। और बेटा, अगर आपको और भी किसी मौकों पर आप अपने और परिवार के सदस्यों से मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। लिख लेंगे प्लीज़ आप लोग। अगला क्वेश्चन, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही चिड़िया और चूहा एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना है ये दोनों क्या बातें कर सकते हैं, एक चिड़िया है और एक ये चूहा है। ठीक है, तो इसमें ये चिड़िया से पूछती है, अरे अरे तुम्हें क्या हुआ? तो इसमें चूहा इसको बताता है, आज मैं बहुत गया हूँ, लगता है, या आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा थक आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से हमने लिख दिया है, जो चिड़िया है वो देखती है, जो चूहा है इस ऐसे ही लेटा हुआ है। ठीक है, तो उसको लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, तो वो उससे पूछ लेती है, अरे तुम्हें क्या हुआ? तो चूहा बताता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो इस वजह से मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है ये दोनों कोई और बातें कर रहे होंगे तो कमेंट्स में भी बताना मुझे, और आप वो लिख भी सकते हैं। ओके बच्चों, मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों को बताइए कि परिवार में सब मिलजुल कर प्यार से सम्मान के साथ एक दूसरे की देखभाल करते हुए रहते हैं। आप सभी को ये बात पता है। और बेटा, आपकी फैमिली में कौन कौन है कमेंट्स में मेरा बताना ना भूलें। COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। ओके।